कल का कुछ डाउट है? बोलो। अरे हाँ या ना, कुछ तो जल्दी बोलो, तब तो आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, कल बोला था कि आज इंडेफिनिट का पूरा हो जाएगा, आज टाइम आई थिंक कि नहीं लगेगा। हाँ क्वेश्चन देते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करके देखो, और आई होप कि सॉल्व करो।
सॉल्व हुआ या नहीं? अरे सॉल्व हुआ या नहीं तुम लोग से कुछ तो बोलो। नहीं आवाज आ रही है क्या मेरी तुम लोग को? चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आप क्या कोशिश करो कि ये जो है रूट, मैं पहले ही बोला था आपको कि रूट हटाने की कोशिश कीजिए, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस इक्वल टू टी एक्स और माइनस वन या प्लस वन कुछ भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, ये एज्यूम करो। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें ध्यान देना है कि ये किस फॉर्म में है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू बेसिकली कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या काम करना है कि कभी भी इस फॉर्म में रहता है ये ध्यान रखना, एक फॉर्म लिख देता हूं नहीं तो, या यहां लिख देता हूं तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसी को टी एक्स प्लस माइनस रूट सी के फॉर्म में लिखते हैं हम, इफ सी ग्रेटर देन जीरो, सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करके देख लो, तो ये मैंने यूज किया है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन माइनस टू टी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट करके लाना पड़ेगा। ठीक, तो सॉल्व करो, इसको इधर लेके चले जाओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, वन माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये वन से वन देखो कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया एक्स हो गया, है ना, और माइनस टू टी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिए तो वन माइनस टू टी ऐसे आ गया, है ना। वो कैलकुलेट करोगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू वन माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर ये आएगा दोस्तों। अब इसी का तुम्हें क्या करना है, तो इसको तुमको डिफरेंशिएट करना, तो क्या लिखेगा डिफरेंशिएट करेगा, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी दिस इक्वल टू, तो यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, u by v रूल यूज कर लो। तो क्या करोगे, पहले 1 माइनस टी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो माइनस टू माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टू टी और इसका हाँ ये और इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो माइनस टू टी आ जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा वन, मैं देख लो यार किसी को डाउट है तो पूछ लेना क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर तुम्हें दिखाया नहीं है
यू बाई वी रूल तुम्हें डिफरेंशिएशन वाला मालूम होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस ये कितना हो जाएगा टू टी माइनस फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर ये होगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू और वन माइनस टी का होल स्क्वायर ये आएगा, देख लो। यही यूज करते हैं, गलत नहीं। अच्छा हाँ कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या, एक बार चेक करो, तो एक बार चेक करो जरा ठीक से। ठीक है शायद ठीक ही ले रहे हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही ले रहे। चलो अब यहां पर ये कहानी हो गया, तो मतलब dx इक्वल टू तुम ये लिख सकते माइनस टू कॉमन हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और ये वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो अब तो कहानी तुम्हें यहाँ पे टी एक्स माइनस वन ये डीएक्स है, तो डीएक्स रहने देते हैं अभी, पहले टी वाला कहानी करते हैं टी। अरे यार क्या है ये एक्स है, तो ये एक्स हो गया प्लस यहाँ पे इसको एज्यूम किया गया था टी एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी एक्स माइनस वन और हाँ ये हो गया। अब तुम्हें डी एक्स को क्या लिख सकते माइनस टू, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। ठीक है कैसे लिखना पड़ेगा, कल हाँ बोलो कुछ बोल रहे हो क्या, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा एक्स कॉमन, तो वन प्लस टी प्लस वन ये फॉर्म आएगा दोस्तों। अब इसको तुम्हें निपटाना है कि कैसे कैसे काम करना है, और एक्स की जगह क्या रख सकते, तो एक्स की वैल्यू ये आया हुआ है देखो एक्स इक्वल टू दिस वन माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, तो एक्स वन प्लस टी प्लस वन तो वन माइनस टू टी वन माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या है वन प्लस टी प्लस क्या हो जाएगा वन, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो वन माइनस टू टी और वन माइनस टी प्लस वन हो जाएगा, यहाँ लोगे तो वन माइनस टी ये लोगे तो वन माइनस टू टी प्लस वन माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा टू माइनस थ्री टी और वन माइनस टी।
तो अब यहाँ रख दो, माइनस टू बार हो गया, ये टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और वन माइनस होल स्क्वायर हो गया, और इसका ओवरऑल टू माइनस थ्री टी, और ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो वन माइनस टी और ये डी टी। ये थोड़ा लेंथी टाइप्स हो गया, जस्ट फॉर्म में बता दिया, इतना तुम्हें पूछेगा नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो तुम वन माइनस टी का होल क्यूब हो गया, है ना, वन माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वन माइनस टी का होल स्क्वायर और वन प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा टू माइनस थ्री टी डी टी। यहां से देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस टी बचेगा, और ये माइनस टू वन माइनस टी हो गया, ये वन प्लस टी का होल स्क्वायर और टू माइनस थ्री टी। बस इसको सॉल्व करना, तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी सिखाया हुआ था, उसका यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा, अब नहीं कुछ बचा हुआ। हो जाएगा क्या बताओ, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। चलो तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, इनडेफिनिट कंप्लीट है। अब तुम्हें प्रैक्टिस जो है वो मैं रैंडम क्वेश्चन देता हूं और सॉल्व करो इसको। तुम्हारे बुक के क्वेश्चन कुछ करा दो, तुम्हारे बुक से ही कराया जाए कि अलग कराया जाए, क्या बोलता है? अरे जल्दी बोलो, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या परेशानी? चलो ये तो अब तुम कर लेगा। अब मैं थोड़ा बुक से तुम्हारे इजी इजी क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, वन बाय एक्स प्लस रूट एक्स है, सॉल्व हुआ या नहीं? तो यार कुछ भी नहीं बोलता है, कैसे काम चलेगा?
अरे सॉल्व किए या नहीं किए यार? यार कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो क्वेश्चन तुम्हारे बुक का दिया हुआ है। नहीं ऐसा कर सकते क्या आप कि रूट एक्स को टी ले लिया जाए, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2t और रूट टी, तो एक्स टी स्क्वायर हो गया, ये टी हो गया, ये डी एक्स जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2t डी टी लिख सकते। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 by t, t प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2t हो जाएगा, डी टी ये कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते, 2 बाहर और ln t + 1, और t को क्या लिख सकते, तो 2 ln √x + 1 + c। अरे क्लियर है क्या यार, कुछ बोलता नहीं है तुम लोग, आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, कुछ बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? चलो ये हो गया, तो ये बोला करो ना यार, बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना कि क्या तुमको आ रहा है समझ में और क्या नहीं आ रहा है। सॉल्व चलो जल्दी इसको सॉल्व करें। इस टाइप के फॉर्म लिखाया हुआ है तुमको कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाए तो जल्दी बताएगा। हाँ काम हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी करो सॉल्व हो जाएगा।
इसको यही तो करना है। एक्स माइनस बी चाहिए, इसीलिए साइन एक्स माइनस बी को एक साथ रखेंगे और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसको एक साथ रखेंगे। अब तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो साइन इसको देख लो क्या लिखोगे, cos a plus b ये dx हो गया, यहां चेक करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और sin a plus b बाहर आ जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब केवल तुम्हें क्या करना है tan tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन देख लो कहानी खत्म है ना, क्या होता है मालूम है तुमको, ये हो जाएगा tan का तो log के टर्म में आएगा, क्या यूज करोगे log sec x माइनस बी, ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस x sin a प्लस बी। आई होप सबका बन गया हो, ऑलरेडी तुम्हारे बुक के क्वेश्चन है तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो,
जल्दी सॉल्व करो। क्या सॉल्व होगा? चलो सॉल्व किया या नहीं ये बताओ। अमन सॉल्व हो गया? मुस्कान देखो जनरल सोचते दो तो काम कैसे करते कि नहीं नहीं होगा का। चलो ट्राई करते हम लोग भी। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते कि एक्स को देखते हैं नहीं होगा तो कुछ किया जाए। काल के लिए स्टार्ट कर और ये लेगा क्या हो जाएगा एक्चुअली 2 द 4 ये 2 हो जाएगा और ये साइन टी हो यही होगा ना ये यही हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये अभी सॉल्व हो जाएगा। मुझे चेक करो यार माइनस बाहर ले लो डी टी अपॉन 2 cos t - 3। अभी ध्यान में होगा तो बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को क्या काम करो। जी ये चेक कर लो एक बार ये ठीक किए हम लोग।
अभी सॉल्व हो जाएगा, अभी इसको 10 के केस में चेक कर लो ना, cos t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अब तो हो जाएगा यार, इस तरह के क्वेश्चन किया ना, कॉस वाला रहे तो कैसे काम करना है, टेन हाफ एंगल में ले जाके। अब सॉल्व कर लो, अब हो जाना चाहिए यार ये। इस तरह के फॉर्म तुम बुक ये सब में भी पढ़ा है और मैंने भी तुम्हें बताया है, जस्ट इसको रिप्लेस करो इससे और 10 रहने देना, और जो से कि ये सब आएगा उसको 10 एक्स वाई टू को t लेके ऊपर सेक वाला कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व, क्या बोलते हो जाएगा ना। मेरे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, जल्दी बोल। ठीक है, अब कर लोगे यार इसमें, अब इसको सॉल्व करो। कल से डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाएंगे, उन लोगों को केमिस्ट्री भी कोई चैप्टर ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री सब ठीक है। अमन हुआ सॉल्व,
अरे ये तो होने लायक क्वेश्चन है, क्यों टाइम ले रहे हो? इसको इस फॉर्म में लिखो ना, साइन ये टेन और कॉट है, साइन बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए। बस अब तुम कर लोगे यार, अब जरूरत नहीं है यार। तुम लोग अब तो है ही नहीं, इसको सेक इसमें चेंज कर लो, काम हो जाएगा, है ना? सेक रहने दो, और इसको कॉस से, कॉस रेस टू 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तुम्हारा सेक रेस टू 8x हो जाएगा और ये 10 रेस टू 4x dx हो जाएगा, और 10x को t ले लेना, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर कैंसिल, तो सेक रेस टू 6x हो जाएगा। यहाँ चेक करोगे तो ये टी रेस टू 4 होगा और डीएक्स की जगह डीटी हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया है ना, सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो यहाँ सेक स्क्वायर कम कर दिया है। अब यहाँ पे सेक को क्या लिख लोगे, तो तुम्हें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा अपॉन टी रेस टू 4 डी टी हो जाएगा, और इसी को क्या लिख सकते हो, 10x को टी लिए हुए थे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, ये टी रेस टू। अब यार मैं सॉल्व नहीं करने वाला, अब इसको एक्सपेंड करो और आंसर ले आओ। ये सब में क्यों टाइम लग रहा है, क्या परेशान, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लिखा जा रहा। बोलो दिक्कत क्या आ रही है? चलो करो, एक और करा दे।
चलो मैं थोड़ा बहुत हिंट करता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई किया और इसको कॉस स्क्वायर अपॉन ये इनटू दिस, इनटू दिस तो मतलब वन बाय साइन, इसको लिख सकते हैं ये। अब सोचो क्या रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स साइन आ रहा होगा, चेक करो एक बार ठीक से। टेन इनवर्स ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक। चलो इसको क्या कर लो कि इसको तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये वाला कैंसिल हो जाए, है ना। तो तुम क्या काम करोगे, कोसेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर को कॉट के टर्म में लिख सकते क्या? एक काम कर दो, देखो हाँ प्लस वन माइनस वन कर लो, काम चल जाएगा, सही है। मतलब एक्चुअली इसको इस फॉर्म में लिखना है ताकि काम हो जाए। एक काम और करते तो हो जाता क्या, ऐसे नहीं करके अब जैसे तुम लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो इसको क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते, है ना। तो इसी को कॉट को ही क्या लिख लोगे, कॉस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हो वो भी राइट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब तो कहानी खत्म हो गया दोस्त, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक माइनस बाहर और ये बचेगा डी एक्स, इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। कर लोगे क्या, बोलो अब हो जाएगा ना, अब कर लोगे दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसी तरह देखो थोड़ा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, और मेंस ये सब में बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए और फॉर्म सब याद रख कि कैसे तुम्हें काम करने हैं। मैं डेफिनेट पढ़ाते जाऊंगा और बीच बीच में क्वेश्चन इनडेफिनेट का कराते जाऊंगा। सर केमिस्ट्री बोले थे, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर ऐसे पढ़ना क्या तुम लोग, केमिस्ट्री कोई चैप्टर है जो तुमको लगता है कि पढ़ने की जरूरत है, नहीं आया हो ठीक से समझ। नहीं है तो ठीक है, तो चलो नहीं है कोई बात नहीं, हो गया, आज यही पे खत्म करते हैं, कल डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और साथ में इसका भी प्रैक्टिस थोड़ा करते जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग चलो एक को है, केमिकल बॉन्डिंग है और कुछ है, केमिकल बॉन्डिंग सबको है क्या ऐसा,
केमिकल बॉन्डिंग सबको करना है। चलो ठीक है, पढ़ाता हूँ किसी दिन। फिर उसमें पढ़ने के लिए यार बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, जो थियरी रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे, और नहीं तो मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे आप पढ़ लेना, और क्लास में मैं उसे पढ़ा दूंगा। तो लिखाना नहीं पड़ेगा, एक्चुअली ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, केवल समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते करते इसको।